Hello students, welcome to our online portal. Students, in this lecture we will discuss about some important questions of acid, base and salt. हम अपने last lecture में acid, base and salt topic को complete कर चुके हैं. जो question इसके अंदर थोड़े से mold होके पूछे जा सकते हैं या हम ऐसा कहें कि किस तरह से question इस chapter से बन सकते हैं वो हम discuss कर रहे हैं बच्चे इस chapter में. First question is, you have been provided with 3 test tubes. One of these test tubes contain distilled water and the other two contain acidic and basic solution respectively. Clear? हमारे पास तीन test tube हैं. तीन test tube में first contain distilled water. जैसे इसे question के अंदर बताया गया है, हम वैसे वैसे यहां mention कर देते हैं. First contain distilled water. Second and third contain acidic and basic solution. And third test tube contains basic solution. If you are given only blue litmus paper, then how will you identify the contents of each test tube? कहते अगर आपके पास blue litmus paper है, तो आप blue litmus paper को कैसे identify करोगे? Students मान लेते हैं कि ये जो distilled water आपको mention किया गया था first, second, third के अंदर, अगर आपको ये test tube rearrange करके दे दे, मतलब हमें पता ना हो कि कौन सी test tube में कौन सा solution है, फिर आप ब्लू लिटमस पेपर की हेल्प से कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि आपके पास कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा सॉल्यूशन है. इसके लिए हमें प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि ब्लू लिटमस पेपर कैसे प्रॉपर्टी शो करता है. आइए देख चेक करते हैं. एसिडिक सॉल्यूशन में हमें मालूम है एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड. क्लियर? बेस टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू ब्लू. बेस के अंदर ब्लू लिटमस सेम ही रहता है, कोई चेंज नहीं आता, ब्लू से ब्लू रहेगा. Whereas water will not show any difference in the color. बेस के अंदर आप ऐसा बोल सकते हो कि जो ब्लू कलर आपका that will be converted into dark blue. वो थोड़ा ब्लू कलर आपका डार्क हो जाएगा. क्लियर? अब हमारे पास ब्लू लिटमस पेपर है. सपोज आपने फर्स्ट बीकर के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने पेपर को डिप किया और उसका डिप करने के बाद जो कलर है वो चेंज नहीं आ रहा. नो चेंज इन कलर. अगर कलर में कोई चेंज नहीं आ रहा, इट मींस इट इज डिस्टिल्ड वाटर. इसके अंदर वाटर प्रेजेंट है और कुछ भी प्रेजेंट नहीं होगा. इफ वी पुट लिटमस पेपर इन द सेकंड टेस्ट ट्यूब एंड इट्स कलर चेंजेस टू रेड, अगर वो रेड में चेंज हो गया, इट मींस इट वाज एन एसिडिक सॉल्यूशन. तो ये एसिडिक सॉल्यूशन होगा. If we put the litmus paper in the third test tube and the color changes to dark blue, ये हमारे पास dark blue color आ जाता है, तो we can say that the solution was basic solution. Clear? तो इस तरह आप एक blue litmus की help से भी identify कर सकते हो whether the given test tube contains water, acid or base. Clear students? तो ये हमारे पास indicator के ऊपर first question था. इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है. अ सब्सटेंस एक्स इज यूज्ड एज एन एंटी एसिड. स्टूडेंट एंटी एसिड बारे में हम पढ़ चुके हैं. व्हेन इट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट एचसीएल इट प्रोड्यूसेस अ गैस वाई व्हिच इज यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर. हमने ये भी हम पढ़ा था लास्ट लेक्चर में कि कौन सी गैस हम एज ए फायर एक्सटिंग्विशर यूज कर सकते हैं, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. अब कार्बन डाइऑक्साइड देखिए इसको हम कैसे इस चीज क्वेश्चन को हम कैसे ज़ूम करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं ऐसे क्वेश्चंस को. आपके पास एक सब्सटेंस एक्स है जो कि आप एंटा एसिड की तरह यूज कर सकते हो. ये आप एक एंटा एसिड की तरह यूज कर सकते हो. रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl, इसकी आपने रिएक्शन की HCl के साथ डाइल्यूट फॉर्म में. इट गिव्स इट प्रोड्यूसेस अ गैस Y. इसने एक Y आपको एक गैस दी जो कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर काम आ सकती है. हमें पता है कि फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर अगर आप काम लेने के लिए कोई गैस की बात कर रहे हो तो ये कौन सी गैस हो सकती है? CO2. और ऐसा कोई एंटा एसिड जो एसिड से रिएक्ट करने पे CO2 दे, ऐसा एंटा एसिड कौन सा होता है? स्टूडेंट्स हमारे पास सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. याद कीजिए मैंने आपको बताया था कि कार्बोनेट जब भी रिएक्टेंट में आ जाए देन इट विल गिव CO2 एज ए प्रोडक्ट. क्लियर? हम ये चीज पूछ रहे हैं, नेम द सब्सटेंस एक्स. एक्स पूछ रहा है, हमें पता लग गया कि इट विल बी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. आप इसको बोल सकते हो कि ये आपका बेकिंग सोडा है. आपसे गैस पूछ रहा है वाई कौन सी हो सकती है. गैस कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड. ऑल्सो राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर दिस सेक्शन. हम इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन इट रिएक्ट्स विद HCl व्हाट विल द प्रोडक्ट फॉर्म्ड. इट विल बी NaCl प्लस CO2 प्लस
H2, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। स्टूडेंट्स याद कीजिए, मैंने आपको बताया था इसमें कि जब भी कार्बोनेट की रिएक्शन आप करते हो किसी भी एसिड से तो CO2H2 तो बनेगा ही बनेगा, और साथ में जो मेटल आप यूज कर रहे थे यहाँ पे Na, उसका सॉल्ट बन जाएगा, दैट विल बी NaCl। अब जब एसिड टॉपिक के जब लेक्चर सुनोगे तो आप देखोगे उसके अंदर मैंने आपको ये रिएक्शन वहां पे करवा रखी है। क्लियर? तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। साथ में कह रहा है बैलेंस्ड फॉर्म में लिखना है, तो चेक कीजिए ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है। सोडियम हमारे पास यहाँ पे 1 है, यहाँ भी सोडियम 1 है। सीएल हमारे पास 1 है, यहाँ भी सीएल 1 है। कार्बन हमारे पास यहाँ पे 1 है, कार्बन आपका प्रोडक्ट में भी 1 है। ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट में 3 है, प्रोडक्ट में चेक कर लीजिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे CO2 में, 1 वाटर में। तो हमारे पास यहाँ पे सभी एलिमेंट्स जो है वो बैलेंस भी है। तो ये आपकी बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाएगी, ये आपकी गैस बन जाएगी CO2Y जो हमसे पूछ रहा था, और ये आपका एंटासिड बन जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, दैट इज X। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स। दिस इज HCl रिएक्ट विद अ मेटल X टू फॉर्म अ गैस Y व्हिच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। अब पॉप साउंड वाला पॉइंट आ गया यहाँ पे, हमें मालूम है कि कौन सी गैस पॉप साउंड की तरह बर्न करती है, पॉप साउंड की आवाज कौन सी गैस देती है बर्निंग पे, हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब रिएक्शन करनी है अपने HCl की किसी ऐसे मेटल के साथ कि आपको हाइड्रोजन मिले, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा हुआ है। तो फिर साथ में कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन ऑल्सो रिएक्ट विद द सेम मेटल टू फॉर्म सेम गैस। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की भी आपको मेटल से रिएक्शन दे दी। अब आप बेस वाला लेक्चर याद कीजिए स्टूडेंट्स, जो बेस वाला लेक्चर हमने किया था उसमें मैंने आपको बेस की रिएक्शन मेटल से करवाई थी जिंक के साथ। जिंक हमारे पास एक ऐसा मेटल होता है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके हाइड्रोजन देता है। हमारे पास दो ऐसे मेटल होते हैं, जिंक और एल्यूमिनियम। जिंक ज्यादा कॉमन है तो हम जिंक को लेकर चलते हैं। तो हमारे पास दो क्या आ गया, व्हाट इज एक्स एंड वाई, ये तो हमें पता लग गया कि मेटल आपका एक्स होना चाहिए जिंक और गैस हमारी वाई होनी चाहिए हाइड्रोजन। सेकंड कह रहा राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ मेटल एक्स विद बोथ। अब हम दोनों की रिएक्शन लिखते हैं। सबसे पहले HCl से लिखता हूं, व्हेन जिंक रिएक्ट विद HCl क्या प्रोडक्ट बनेगा, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, Zn और Cl मिलकर क्या बनाते हैं, ZnCl2, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस आ जाएगा। सेकेंड रिएक्शन की तरफ अगर हम बात करें कि अगर आप जिंक की रिएक्शन करते हो NaOH के साथ, तो ये हमें क्या देता है, जिंकेट Na2ZnO2, ये जिंकेट बनेगा, और साथ में स्टूडेंट्स हमारे पास यहां कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन। तो गैस देखिए हमारे पास सेम आ गई, और मेटल जो आपका है वो दोनों एसिड से भी रिएक्ट कर सकता है और बेस से भी रिएक्ट कर सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको ये चीज इसमें याद रखनी है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो एसिड और बेस आपको दोनों के साथ ऐसे रिएक्शन शो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ फर्स्ट एड मैनुअल सजेस्ट दैट विनेगर शुड बी यूज्ड टू ट्रीट वास्प स्टिंग। अगर वास्प हमें काट जाता है तो कहता है विनेगर को हमें यूज करना चाहिए। विनेगर जो होता है स्टूडेंट्स, दैट इज एसिटिक एसिड CH3COH एसिड। फिर साथ में क्या करें, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड विद बी स्टिंग। अगर बी स्टिंग अगर हमें मधुमक्खी काट जाए तो हमें बेकिंग सोडा यूज करना चाहिए। व्हाट डज दिस इंफॉर्मेशन टेल यू अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ वास्प स्टिंग एंड बी स्टिंग, कहते हैं इनके नेचर के बारे में क्या पता लगेगा। स्टूडेंट्स देखिए, अगर आप वास्प स्टिंग के लिए एसिड यूज कर रहे हो, इसका मतलब क्या है कि वास्प जो स्टिंग है आपका, ये कैसा होना चाहिए, ये बेसिक होना चाहिए, या इसको आप क्या बोल सकते हो कि ये अल्कलाइन नेचर का होना चाहिए। क्योंकि अगर अल्कलाइन नेचर का होगा और आप इसके अंदर डाइल्यूट एसिड यूज करते हो लाइक विनेगर यूज करते हो, तो उसको ये न्यूट्रल कर देगा और उसका इफेक्ट जो है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? इसी तरह से आप दूसरा भी चेक कर सकते हो, अगर बेकिंग सोडा को यूज किया जा रहा है बी स्टिंग के लिए, अगर हम बी स्टिंग की बात करें, अगर उसके लिए बेकिंग सोडा जो कि बेसिक होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि बी स्टिंग जो है वो एसिडिक होगा। हमें पढ़ा भी हुआ ऐसा कि बी स्टिंग क्या रिलीज करता है, मिथानोइक एसिड। आप इसको मिथानोइक एसिड बोल दीजिए या फिर आप इसको फॉर्मिक एसिड बोल दीजिए। क्या बोल सकते हैं इसको आप, फॉर्मिक एसिड। अगर आप एसिड ये यूज कर रहे हो, अगर आप बी स्टिंग हमारे पास हुआ है तो उसके लिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा यूज कर रहे हैं, तो ये बेकिंग सोडा जो आपके पास है इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। तो एसिडिक और बेसिक ये भी मिलके क्या कर देंगे, इफेक्ट को न्यूट्रल कर देते हैं, इसीलिए हम इसके अंदर इस तरीके से केमिकल यूज कर सकते हैं। तो इस देखो, जो आपने यूज किया केमिकल उसके इफेक्ट को कैंसिल करने के लिए, वो ही आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है कि बी स्टिंग कैसा होगा और वास्प स्टिंग कैसा होगा। क्लियर? ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कंपाउंड एक्स विच इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम जिप्सम हैज द प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनिंग वेन मिक्स्ड विद प्रॉपर क्वांटिटी ऑफ वाटर. याद कीजिए हमने जिप्सम की एक ही रिएक्शन पढ़ी है स्टूडेंट्स. जिप्सम जो है हमारे पास वो प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाया जा सकता है और जिप्सम से भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बना सकते हैं. क्लियर, पहले मैं वो रिएक्शन लिख लेता हूँ फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा. सपोज हमारे पास ये रिएक्शन आ जाती है कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O. ये जिप्सम है, अगर हम इसको हीट करें तो ये हमें क्या देता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस 1.5 यहां पे भी आ जाएगा साथ में H2O. क्लियर, ये आपके पास पीओपी है और ये हमारे पास जिप्सम होता है. आपको जो सॉल्ट वाला लेक्चर था हमारा लास्ट लेक्चर सॉल्ट का, उसके अंदर आपने ये रिएक्शन की थी. इसको मैं रिवर्स में लिख सकता हूं, कैल्शियम सल्फेट डॉट half H2 when it is mixed with 1.5 molecule of water it will give gypsum that is calcium sulfate dot 2H2. clear students, ab check karte hain. a compound x which is prepared from gypsum, jo gypsum se bana hai, matlab first reaction ki baat kar raha hai, check kijiye aapne gypsum se kya banaya hai, POP has the property of hardening when mixed with proper quantity of water. bilkul theek, jab POP ke andar kuch quantity water ki milai jaye तो ये हार्डनिंग प्रॉपर्टी शो करता है. जिप्सम जो होता है ना स्टूडेंट्स, ये कैसा होता है, हार्ड. क्लियर, तो ये तो हमें समझ आ रहा है कि क्वेश्चन इस तरीके से चल रहा है. अब कह रहा है आइडेंटिफाइड द कंपाउंड एक्स, बिल्कुल कंपाउंड एक्स कौन सा है, जिप्सम हमें पता लग चुका है. फिर राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर इट्स प्रेपरेशन, हम इक्वेशन लिख चुके हैं इसके लिए. फॉर व्हाट पर्पस इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में हम इसको क्यों यूज करते हैं. स्टूडेंट्स आपने देखा होगा अगर कहीं हम सपोज किसी के फ्रैक्चर हो जाता है हाथ में, तो उसके ऊपर हम जो प्लास्टर लगाते हैं वो प्लास्टर किस चीज का होता है, वो जिप्सम ही होता है. वो क्या होता है, पीओपी के अंदर हम वाटर मिलाते हैं और वो हार्ड बनाने के लिए, ताकि हमारा हैंड की मूवमेंट ना हो सके, हैंड हमारा स्टिल रहे, ताकि जो बोन है वो अच्छे से जुड़ जाए, जो ज्वाइंट्स है वो अच्छे से जुड़ जाए, उसके अंदर किसी भी तरह की कोई मूवमेंट ना आए. तो इसीलिए ये हॉस्पिटल के अंदर भी हम यूज करते हैं जब हम प्लास्टर करते हैं, जब बोन की ब्रेकेज हो जाती है. क्लियर स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को मोल्ड करके आपसे पूछने की कोशिश करेगा, आपने इस पॉइंट्स को ध्यान रखना है. लास्ट क्वेश्चन बच्चे हमारे आज के लेक्चर का, इसमें देखिए क्या कह रहा है, अ व्हाइट पाउडर सब्सटेंस हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई एट वाटर वर्क्स. देखिए स्टूडेंट्स आपको याद होगा मैंने आपको ब्लीचिंग पाउडर में बताया था कि हम ब्लीचिंग पाउडर यूज करते हैं अगर आपने जर्म्स को किल करना हो. आइडेंटिफाई द सब्सटेंस, सब्सटेंस को आइडेंटिफाई कीजिए, give its chemical name and write the chemical reaction for its preparation. kya tha chemical name batao aur iski aap preparation reaction likhiye. students aap yaad kijiye aapne salt topic jab kiya tha tab aapne kya bleaching powder ki preparation ki thi wahan pe, aur agar aapko bleaching powder ki preparation ne ki thi to uske liye kon kon se chemical use kiye the. that was calcium hydroxide when it reacts with chlorine it forms ब्लीचिंग पाउडर लाइक CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर अलोंग विद वाटर मॉलिक्यूल. क्लियर, तो यही हमारे पास क्वेश्चन है, कहता है अ व्हाइट पाउडर सब्सटेंस हैविंग स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन इज यूज्ड फॉर डिसइंफेक्टिंग वाटर सप्लाई. मतलब ये तो ब्लीचिंग पाउडर आ गया. आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हमें पता लग गया. राइट इट्स केमिकल नेम, केमिकल नेम हमारे पास इसका क्या होता है स्टूडेंट्स, केमिकल नेम आप इसका बोल सकते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. इट इज नोन एज कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, आप इसको बोल सकते हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड. ये आप इसका केमिकल नेम भी याद रखोगे ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ. एंड राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर इट्स प्रेपरेशन, हम इसकी प्रेपरेशन के लिए ये रिएक्शन स्टूडेंट्स पहले ही लिख चुके हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने याद रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है इसको भी आपने साथ में याद रखना है, जो कि इसमें एक अलग पॉइंट था और साथ में ये यूज के बेसिस पे आप क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसके यूजेस भी हमें पता होने चाहिए. तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे. आपके पास जो बुक है आप उसके अंदर जो या लेक्चर आप पिछले सुनोगे उससे रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, और किसी भी तरह का अगर कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ के क्लियर कर सकते हो. स्टूडेंट्स वीडियो सुनने के बाद आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू.